खबर जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर। सिवनी जिले में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं एवं जिले में आए हुए सभी किसान वर्ग एकत्रित हुए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज नगर पालिका परिषद चौक पर किसानों के लिए कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी एवं किसान विरोध नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों के मुआवजे, भावांतर राशि, मक्का, धान आदि फसलों की उचित मूल्य एवं किसान के कांग्रेस सरकार के चुनावी वादे के अनुसार 2 लाख कर्ज माफी में हुई अनिश्चितता संबंधी बिंदु पर सरकार का ध्यान आकर्षित हेतु ज्ञापन तहसीलदार सिवनी को सौंपा। कार्यकर्ता द्वारा स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ इस ओर ध्यान नहीं देते तो भविष्य में उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी स्वयं कांग्रेस सरकार की होगी। जी बताएं, आज क्या कार्यक्रम है? मित्रों, आप सबको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कमलनाथ की सरकार काबिज है और यह सरकार मध्य प्रदेश की जनता को झूठे वादे करके, मध्य प्रदेश के किसानों को, बेरोजगारों को और मध्य प्रदेश के मजदूरों को झूठा आश्वासन देकर आई। यही नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश की जनता से यह वादा किया था, यदि 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ नहीं करेंगे। अपने 112 पेज के वचन पत्र में यह घोषणा की थी कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, मजदूरों की चिंता करेंगे, सब मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता के लिए हम काम करेंगे। ऐसी घोषणाएं, लुभावनी घोषणाएं कांग्रेस ने की थी, लेकिन अपने वादों को पूरा करना बात तो दूर। शिवराज सिंह चौहान भाजपा की सरकार के उन वादों को, उन घोषणाओं को, उन योजनाओं को जो जनता के हित में चल रही थी, उनको भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर करके जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने विधानसभा स्तर पर इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। आज विशेष तौर से किसानों के साथ जो बाढ़ आई हुई है, उसमें जो किसानों की फसल नुकसान हुई है, उनको मुआवजा देने के लिए, फसल बीमा देने के लिए, बोनस देने के लिए, इन सारी बातों को लेकर किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला सिवनी आज आंदोलन और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। वह कार्यक्रम आज सम्पन्न हुआ। हमने जिला भाजपा के माध्यम से प्रशासन को, कमलनाथ और राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किया है। नमस्कार। आज पूरे मध्य प्रदेश के द्वारा हर मुख्यालय में किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। उसी तारतम्य में सिवनी विधानसभा का यह आंदोलन कार्यक्रम यहाँ किया गया। आपको याद है कि जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, लगातार आम आदमी बड़ा परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार भी परेशान है, पूरे प्रदेश आपदा में पीड़ित है। जब से न आप देख रहे हो, न प्रदेश के मुख्यमंत्री न मंत्री कोई किसानों की सुध ले रहे हैं। इसके विपरीत जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी भी प्रकार की आपदा आने पर न केवल मुख्यमंत्री बल्कि उनके पूरे मंत्री और मंत्रिमंडल के पूरे सहयोगी आप किसानों के बीच खड़े रहते थे। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि इस भीषण विपदा में वो जो किसानों को वादा किए थे कि वो 2 लाख का ऋण माफ करेंगे, वो ऋण माफ करें, फसल बीमा की राशि प्रदान करें और जो भावांतर की राशि जिसके लिए किसान दर दर भटक रहा है वो प्रदान करें। खबर समय जगत के लिए सिवनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।